हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स जब हम फार्मेसी का लैब करने जाते हैं तो उस टाइम कुछ ग्लासवेयर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं ऑलमोस्ट ऑल लैब में ये ग्लासवेयर्स मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इसलिए आज हम इस वीडियो लेक्चर में वो वेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो वेयर्स मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं फार्मेसी लैब में वह हैं टेस्ट ट्यूब बीकर्स बायोमेट्रिक फ्लास्क कोनिकल फ्लास्क मेजरिंग सिलेंडर पीपेड फनल एंड ग्लास रॉड ये सारे वेयर्स वन बाई वन करके हम डिस्कस करेंगे तो पहले हम डिस्कस करते हैं टेस्ट ट्यूब के बारे में तो टेस्ट ट्यूब होता क्या है इट इज़ अ लॉन्ग नैरो ट्यूब ओपन एंड टॉप एंड क्लोज एट बॉटम एंड इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक आर ग्लास यूज इट इज़ मेनली यूज फॉर होल्ड मिक्स एंड हीट केमिकल सबस्टेंस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब एक नैरो सिलेंड्रिकल हॉलो ट्यूब है जो कि ऊपर का पोर्शन ओपन होता है और नीचे का पोर्शन क्लोज रहता है यह प्लास्टिक या ग्लास के बने हो सकते हैं इसका मेनली यूज़ किया जाता है सैम्पल के होल्डिंग के लिए या सैम्पल की मिक्सिंग के लिए या हीटिंग के लिए जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हमको हीट की ज़रूरत पड़ती है कोई केमिकल टेस्ट होता है तो उसको हीट के लिए भी यूज़ किया जाता है तो, तो ये रहा टेस्ट ट्यूब के बारे में अब आगे देखते हैं बीकर बीक, बीकर क्या है वट इज़ बीकर बीकर इज़ अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेनर विथ फ्लैट बॉटम इट है स्मॉल बीक फॉर पोरिंग ऑफ लिक्विड अब इसका यूज़ क्या है वट इज़ द यूज़ ऑफ बीकर बीकर इज़ यूज फॉर मिक्सिंग मेजरिंग एंड पोरिंग ऑफ लिक्विड बीकर ऐसा ग्लास ग्लासवेयर्स है जो आलमोस्ट ऑल लैब में बहुत ही कॉमनली यूज किए जाते हैं यह सिलेंड्रिकल ग्लास का कंटेनर है जो कि जिसका बॉटम क्या होता है फ्लैट होता है और ऊपर क्या होती है एक बीक होती है जिसकी हेल्प से हम इसको इसमें जो लिक्विड्स हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं इसमें बीक होता है ऊपर इसकी वजह से इसको इसी के लिए इसका नाम बीकर दिया गया है इसका यूज मेनली किया जाता है मिक्सिंग के लिए और मेजरिंग एंड पोरिंग ऑफ लिक्विड इसमें जो लिक्विड का मेज़रमेंट होता है एक्यूरेट नहीं होता है बट अप्रॉक्स मेज़र किया जाता है ये तो रहा बीकर के बारे में अब आगे हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है इट इज़ अ ग्लास कंटेनर पियर लाइक शेप विथ ए लॉन्ग थीन नेक एंड फ्लैट बॉटम इसका यूज़ क्या है वॉट इज़ द यूज़ ऑफ वॉलोमेट्रिक फ्लास्क इट इज़ यूज टू प्रिपेयर एंड स्टोर सोल्यूशन विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वालोमेट्रिक फ्लास्क का हम यूज़ उस समय करते हैं जब हमको कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करना हो या कोई एक्यूरेट सोल्यूशन प्रिपेयर करना हो जैसे सपोज करो पॉइंट वन नॉर्मल एस सी प्रिपेयर करना है या एस टू एस ओ फोर प्रिपेयर करना है तो उस उस कंडीशन में हम बायोमेट्रिक फ्लास्क यूज़ करते हैं ओके okay? तो ये रहा बायोमेट्रिक फ्लास्क के बारे में आगे जो ग्लासवेयर है उसका नाम है कोनिकल फ्लास्क तो व्हाट इज़ कोनिकल फ्लास्क इट इज़ ए कोन सेफ्ड ग्लास कंटेनर विथ अ फ्लैट राउंड बॉटम एंड सिलेंड्रिकल नेक जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कौन सेफ होता है क्लास का कंटेनर होता है इसका बॉटम क्या होता है पूरा तो फ्लैट होता है अब इसका यूज़ क्या है इट इज़ मोस्टली यूज इन द टाइट्रेशन प्रोसेस इट इज़ आल्सो यूज इन मिक्सिंग हीटिंग सॉल्यूशन, शार्ट टर्म स्टोरेज ऑफ सोल्यूशन कोनिकल फ्लास्क का मेनली यूज होता है टाइट्रेशन प्रोसेस में और इसका यूज मिक्सिंग के लिए भी कर सकते हैं हीटिंग ऑफ सोलूशन के लिए किया जा सकता है और कुछ शाट ड्यूरेशन स्टोरेज के लिए भी यूज़ किया जाता है ये तो रहा कोनिकल के बारे में नेक्स्ट क्लास वेयर है आपका मेजरिंग सिलेंडर व्हाट इज़ मेजरिंग सिलेंडर इट इज़ अ सिलेंड्रिकल टॉल नैरो कंटेनर विथ ए वॉलम स्केल ऑन द साइड ऑफ वॉल एंड इसका यूज़ क्या है वट इज़ द यूज़ इट इज़ मेनली यूज फॉर मेजरिंग ऑफ लिक्विड जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं यह लंबा होता है नैरो होता है और इसका बॉटम क्या होता है फ्लैट इसके साइड में जैसा फिगर में दिख रहा है कुछ नंबरिंग्स होती हैं जैसे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी इस तरह से नंबर्स किए जाते हैं ये नंबर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे सपोज करो फोटी लाइनिंग तक हमने लिक्विड भरा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये 40 एम लिक्विड हमने उसमें मेज़र किया हुआ है तो इसका यूज़ भी वही है कि मेज़र किया जाता है लिक्विड को जब एक्यूरेट अमाउंट में हमको लिक्विड का मेज़र किया जा ज़रूरत पड़ती है तो हम मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करते हैं जो नेक्स्ट वेयर है उसका नाम है पीपेड पीपेड इज़ ए सिलेंड्रिकल ग्रेजुएटेड ट्यूब यूज इन अ लेबोरेटरी फार मेजरिंग एंड ट्रांसफरिंग स्मॉल क्वान्टिट्टी ऑफ लिक्विड इसके पहले मैंने मेजरिंग सिलेंडर डिस्कस किया था जब ज़्यादा क्वान्टिटी में लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है उस केस में हम मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं और जब क्वान्टी कम क्वान्टिटी में और एकट क्वान्टिट्टी में लिक्विड की यूज़ की जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं पी पेड का यूज़ करते हैं जैसे वन एम एल टू एम एल फाइफ एम एल इस तरह का अगर लिक्विड हमको मेजर करना है तो हम पी का यूज़ करते हैं तो ये तो रहा पी के बारे में जो नेक्स्ट ग्लासवेयर है उसका नाम है क्या फनल वट इज़ द फनल इट इज़ अ कॉन्सेप्ट प्लास्टिक आर ग्लास यूटेंसाइल दैट इज़ वाइड एट द टॉप एंड नैरो एट द बॉटम यूज इट इज़ यूज फॉर पोरिंग लिक्विड आर पाउडर इन टू स्मॉल ओपनिंग फनल कौन सेप्ड होता है प्लास्टिक या ग्लास के बने हो सकते हैं उसका ऊपर का पोर्शन जो होता है सर्कुलर होता है और नीचे का पोर्शन क्या होता है नैरो होता है इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमको किसी लिक्विड की ट्रांसफ़र करना होता है किसी कंटेनर में और उस कंटेनर का माउथ क्या हो बहुत नैरो हो तो हम क्या करते हैं कीप को या फनल को उस नैरो माउथ में फिट कर देते हैं और उसके ऊपर से हम क्या करते हैं लिक्विड को धीरे धीरे पोर करते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहाँ पे टाइट्रेशन में जब हम ब्यूरेट में लिक्विड फिल करते हैं तो उस टाइम इसका यूज़ करते हैं ताकि ओवरफ्लो ना होने पाए तो ये तो रहा फनल के बारे में जो नेक्स्ट ग्लासवेयरस है उसका नाम है ग्लास रॉड व्हाट इज़ द ग्लास इट इज़ थिक लॉन्ग सॉलिड ग्लास जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं एक सिलेंड्रिकल सॉलिड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज़ किया जाता है केमिकल की मिक्सिंग में या लिक्विड लिक्विड की मिक्सिंग में लेबोरेटरी में ये तो रहा ग्लासवेयर के बारे में आज हमने इस वीडियो लेक्चर में मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले ग्लास वेयर्स के बारे में डिस्कस किया होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें जो कंटेंट दिए गए हैं आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो